कुछ दिन पहले मैंने अपने गार्डन में कॉलीफ्लावर की हार्वेस्टिंग की वीडियो डाली थी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने जो कॉलीफ्लावर ग्रो की थी और साथ ही मैंने कुछ कैबेजेस भी ग्रो किए हैं उनमें मैंने क्या न्यूट्रिशन दिया है कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा वो चाहे कॉलीफ्लावर हो या कैबेज हो या फिर ब्रोकली मैं एक ही तरह के न्यूट्रिशन फॉर्मूले से इनको फीड करता हूँ और आप चाहें तो ये फॉर्मूला आप काफ़ी सारी वेजिटेबल्स में फॉलो कर सकते हैं जितनी भी फ्रूटिंग वेजिटेबल्स हैं चाहे वो टोमेटो है चाहे वो कैप्सिकम है या कोई भी फ्रूटिंग वेजिटेबल है ये फॉमूला बहुत अच्छी तरह काम करता है आप सभी तरह की वेजिटेबल्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं हालांकि अलग अलग वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रेंट फार्मूला है या रेसिपी है वो अलग होती है पर मेरे लिए ये जो फार्मूला है जो मैं फॉलो करता हूँ बहुत अच्छी तरह काम करता है सभी वेजिटेबल्स पर और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलीफ्लावर की हार्वेस्टिंग मैंने की थी और काफ़ी अच्छी मेरे को इसमें प्रोडक्शन मिली थी और काफ़ी अच्छी हेड डेवलपमेंट थी और काफ़ी टेस्ट अच्छा था कॉलीफ्लावर का क्योंकि अगर आप अच्छी तरह न्यूट्रीशन दे रहे हैं तो ऑबियसली जो आपकी क्रॉप है वो अच्छी होती है तो गाइज़ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर जो न्यूट्रिएंट्स की डिटेल है वो शेयर करूंगा और कॉलीफ्लावर जो मैंने हार्वेस्ट की थी उसके रूट सिस्टम पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं ये आप देख सकते हैं ये इसका रूट सिस्टम है काफ़ी हेल्दी और लंबी रूट्स हैं हालाँकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी रूट्स होंगी तो वो निकालनी मुश्किल हो जाती हैं डी पाइप में से और देख सकते हैं आप एक एक करके सभी प्लांट्स की रूट्स काफ़ी अच्छी हैं प्लांट्स हावस करने के बाद प्लांट्स को निकालना होता है तो गाइज इसी बहाने में आपको इनकी रूट्स दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कम्प्लीट जो रूट है कॉलीफ्लावर प्लांट्स की और यहाँ पर एक प्लांट जो मैंने दूसरे सिस्टम में लगाया हुआ था वो है उसके रूट सिस्टम आप देखिए काफ़ी छोटी रूट्स हैं तो ये भी एक कमाल है हाइड्रोपोनिक्स का कि रूट चाहे ज़्यादा बड़ी ना हो अगर न्यूट्रिशन सही है तो प्लांट्स तब भी अच्छी तरह ग्रो होता है आपको तब भी अच्छी प्रोडक्शन ही मिलती है और ये उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है और साथ ही अब मैं आपको दिखाऊंगा कैबेज की हारवेस्टिंग आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने सिस्टम में कुछ कैबेजेस लगाई हुई हैं तो मुझे कुछ कैबेजेस की ज़रूरत थी तो दो कैबज इसमें से रेडी थी तो मैंने सोचा मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये कैबेज है इसका हेड बहुत ही अच्छी तरह डेवलप हुआ हुआ है काफ़ी अच्छी तरह शानदार हेड है और एक कैबेज यहाँ लास्ट में जो है वो रेडी है हालांकि इसका हेड पहले वाले के मुकाबले थोड़ा छोटा है पर अच्छी तरह फर्म है काफ़ी बढ़िया डेवलप हुआ हुआ है तो इन दोनों को आज हम हावेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो बाकी हेड्स हैं उनको थोड़ा और टाइम लगेगा डेवलप होने में अभी काफ़ी सॉफ़्ट हैं काफ़ी लूज है इनका हेड तो इनको हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता और मैं कैबेज का जो हैड है वो तभी हार्वेस्ट uh, करता हूँ जब काफ़ी हार्ड हो जाता है काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हो जाता है और आप यहाँ देख रहे होंगे जो कैबेज uh, से पहले वाली एन पाइप है उसमें कोई प्लांट्स नहीं है और उसका रीज़न ये है कि उसमें स्पिनेज थी जो कि मैंने यूज़ कर ली थी अब इसमें फ्रेश सीड्स डाले हैं तो ये देखिए ये कैबेज का हेड है जो अभी तोड़ा है काफ़ी खूबसूरत हेड है काफ़ी अच्छा हेड है इसको मैं एक साइड पर रख देता हूँ और इसके बाद हम जो दूसरी कैबेज है उसको हार्वेस्ट करते हैं और यहाँ हम पहुँच गए हैं दूसरे प्लांट के पास तो इसको यहाँ से नीचे से काट लेते हैं और फिर मैं आपको एक बार हेड टू तो हेड कंपैरिजन दिखाऊंगा ये यह देखिए यहाँ पर कैबेज का हेड तोड़ लिया है और ये भी काफ़ी अच्छा राउंड हेड है बहुत खूबसूरत है और इसको एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों हेड को एक साथ रख के तो ये आप देख सकते हैं दोनों हेड एक साथ पड़े हुए हैं जो हेड हमने पहले तोड़ा था वो थोड़ा बड़ा है ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और जो दूसरा प्लांट है उसका भी हेड बहुत अच्छा है थोड़ा सा छोटा है पर काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हुआ हुआ है और जिन नेट कप्स में मैंने इनको ग्रो किया है वो तीन इंच के नेट कप्स हैं और इसमें कोकोपीट की हेल्प से मैंने ग्रो किया कोकोपीट एक मीडिया था सपोर्ट करने के लिए इनको तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की क्या न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड किए गए हैं और न्यूट्रिएंट्स की डिटेल्स के साथ साथ मैं आपको इनका रूट रूट्स भी दिखाता रहूँगा ताकि आप इनके रूट सिस्टम पर भी एक बार नज़र मार सकें और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो फ़र्टिलाइजर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं सबसे पहले मैंने जो डाला है वो कैल्शियम नाइट्रेट नाइन्टी ग्राम्स जो भी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा वो 100 लीटर्स ऑफ वाटर के हिसाब से है यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स आपने 100 लीटर्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने हैं और ये आप देख सकते हैं ये जो प्लांट निकाला है इसके रूट्स आप देख सकते हैं और दूसरा प्लांट भी जो है जो दूसरी साइड से निकाला था उसकी भी रूट्स एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा पीछे है तो इसको निकालना होगा मुझे तो कैल्शियम नाइट्रेट के बाद जो अगला सॉल्ट मैंने यूज़ किया वो है मैग्नीशियम सल्फ़ेट जिसकी क्वांटिटी थी 53 ग्राम 100 लीटर ऑफ वाटर में और यहाँ आप देख सकते हैं ये इस कनेक्ट कभी बाहर आ गया और रूट देखिए कोई बहुत बड़ा रूट सिस्टम नहीं है बावजूद इसके जिसका हेड था काफ़ी अच्छा था काफ़ी बड़ा था लेकिन जो रूट है वो इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है और मैग्नीशियम सल्फ़ेट के बाद जो फर्टिलाइजर्स मैंने यूज़ किए वो हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट और मोनो पोटासीम मोनो अमोनियम फॉस्फेट दस ग्राम और मोनो पोटेशियम फॉस्फेट तेरह ग्राम सौ लीटर पानी में और इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट जिसकी क्वांटिटी रहेगी पंद्रह ग्राम और सबसे आखिर में जो आ, मेजर फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो है पोटेशियम सल्फेट जिसकी क्वांटिटी होगी सिक्सटी टू यानी कि बासठ ग्राम और इसके बाद जो हमारे रह जाएंगे वो है माइक्रो मिक्स चलेटेड जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं लगभग 275 सेवेंटी फाइव लीटर्स में ध्यान दीजिएगा ये 275 सेवेंटी है ग्राम्स नहीं है मिलीग्राम्स है और एंड में आयरन जो चलेटेड यूज़ करेंगे हम ट्वेल्व परसेंट वो आपको डालना है तीन ग्राम टोटल तीन ग्राम सौ लीटर पानी में तो ये थे न्यूट्रिएंट्स कुछ इस तरह जिसको डाल के आप एक हाइड्रोपोनिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए फ्रूटिंग वेजिटेबल्स के लिए ये अच्छा काम करता है और अगर आपका आर वाटर है उसका टी 50 एस के आसपास है तो ये सोल्यूशन की स्ट्रेंथ आपको लगभग ग्यारह सौ के आसपास रहेगी जिसे आप अपने प्लांट्स की स्टेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो ये सभी फर्टिलाइज़र की क्वान्टिटी सौ लीटर पानी के हिसाब से थी अगर आपको कम क्वान्टिटी में बनाना है तो आप इन फर्टिलाइज़र्स की क्वांटिटी उसी हिसाब से कम कर सकते हैं यानी कि अगर आपको 50 लीटर या 10 लीटर का सोल्यूशन बनाना है तो आप क्वांटिटी भी फ़र्टिलाइजर्स की उसी हिसाब से कम कर सकते हैं और ये फ़र्टिलाइजर्स आपको एक एक करके डिज़ोल्व करने हैं जब तक पहले वाला अच्छी तरह डिजोल्व ना हो जाए दूसरा मिक्स ना कीजिए और अगर आपको कुछ फर्टिलाइजर्स या हाइड्रोपोनिक सप्लाइज ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कुछ चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं चाहे वो कोकोपीट है टी डी एस मीटर है या कई चीज़ें हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर